रामदेव लगातार मुश्किल में नजर आ रहे हैं। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार तो लगाई है, अब उत्तराखंड सरकार ने भी पतंजलि को जोरदार झटका दिया है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है, पतंजलि फूड्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। पतंजलि हर तरफ से मुसीबतों से घिर गई है, तो किन मामलों में उलझे रामदेव, कैसे बढ़ गई है पतंजलि की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने पतंजलि को एक बार फिर फटकार लगाई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्ला की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण पांचवी बार पेश हुए। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा, न्यूज़पेपर्स की कॉपी की जगह ई फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। बेंच ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, पतंजलि के वकील ज्यादा स्मार्ट है, पूरा न्यूज़पेपर फाइल किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से ओरिजिनल कॉपी मांगी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि उन्होंने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की इन दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन और ड्रग्स व मैजिक रेमेडिक एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने एफिडेविट की आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारी तब जागे जब कोर्ट ने आदेश दिया। साथ ही पूछा कि कोर्ट के आदेश के पहले और बाद में क्या एक्शन लिया गया। उत्तराखंड की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 14 मई तक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को मौजूद रहने से छूट दे दी है। लेकिन पतंजलि की परेशानियों में इजाफा करने के लिए पतंजलि फूड्स को GST यानी वस्तु एवं सेवा कर की तरफ से नोटिस मिला है, जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्स क्रेडिट को लेकर सवाल पूछे गए हैं। कंपनी को कारण बताओ नोटिस के जरिए पूछा गया है कि कंपनी से 27.46 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए और साथ ही पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। DB लाइव की रिपोर्ट।